क्लास 10 इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। और अगर आपको बैकग्राउंड से अगर म्यूजिक की आवाज़ आए तो उसको आप एक म्यूजिक की तरह ही ले लीजिएगा, बिकॉज आसपास शादियां हैं बहुत सारी। तो चलिए शुरुआत की जाए ओम्स लॉ की। तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ OHM ओम्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग आज डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको समझने से पूर्व आपको कुछ एग्जांपल्स को लेके चलना होगा, तो समझना आसान हो जाएगा फिर ओम्स लॉ को। तो वो एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अलग अलग हाइट पे 3 हॉल किया हुआ है, और ये कंटेनर पूरा भरा हुआ है और ये हॉल अभी बंद है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, इस पूरे कंटेनर में आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वाटर प्रेशर, वो सबसे बॉटम पे होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाया जाता है वाटर प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, ऊपर जो वाटर बॉडी है वो कम होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी कहाँ पे होगा? सबसे नीचे वाले पे, और ऊपर जाने पे और कम हो जाएगा। तो यही कहानी इसमें है। तो अगर इन तीनों हॉल्स को अगर हम एक बार खोलें, तो एक बार खोल दें तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ये उससे थोड़ा सा कम दूर पे जाएगा और ये सबसे कम दूर पे आएगा। तो इस तरीके का एक क्या बोलते हैं यहाँ पे डायग्राम बना, जिसमें आप देख रहे हो बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर, तो ज़्यादा क्या वाटर फ्लो कर रहा है स्पीड में, और ज़्यादा दूरी तक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे उससे कम स्ट्रेंथ है, और सबसे कम क्या है, सबसे ऊपर वाले हॉल पे है। तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, हमें ये जानकारी मिलती है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये पिक्चर शो कर रहा है, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है वाटर, तो फ्लो ऑफ वाटर वो क्या है, रिलेटेड है किससे, बताइए जल्दी, वो वाटर प्रेशर से रिलेटेड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर को घटाने बढ़ाने से, वाटर के प्रेशर को घटाने बढ़ाने से फ्लो ऑफ वाटर जो है उसमें भी बदलाव आ रहा है, कम या ज़्यादा। यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, कि फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बताइए, वाटर प्रेशर के। फ्लो ऑफ वाटर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वाटर प्रेशर के। यानी जितना ज़्यादा क्या होगा, वाटर प्रेशर लगेगा, उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना, और जितना कम वाटर प्रेशर होगा उतना कम फ्लो करेगा। ये आप कर सकते हैं, पोलोथीन एक ले लीजिए, उसमें भर लीजिए और 3 जगह हॉल कर लीजिए, कोशिश यही करेंगे घर पे ना करें। तो इस तरीके से ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी, और मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पिक्चर के थ्रू, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम अब ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे फ्लो ऑफ वाटर का रिलेशन किसके साथ है, वाटर प्रेशर के साथ है, वैसे ही ओम जी एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने क्या किया, पता लगाया कि जैसे यहाँ पे फ्लो का रिलेशन वाटर प्रेशर के साथ है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करेंट का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, जिसको हम PD से डिनोट करते हैं, पहले के वीडियो में बताया गया है। तो जैसे फ्लो का रिलेशन किसके साथ है, वाटर प्रेशर से, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड किससे है, इलेक्ट्रिक करेंट से। ठीक, तो ये जो रिलेशन था ये पता लगाया था किसने, ओम जी ने, और इन्होंने कहा क्या, तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम जी ने कहा कुछ, और क्या कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी अचर ताप पर, द करेंट flowing through a wire is directly proportional to the potential difference across its ends, है ना, ठीक है ना, यानी किसके एंड्स, यानी वायर के एंड्स। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको समझना चाहते हैं अगर, तो मैं इसको समझाता हूँ पिक्चर के द्वारा। देखिए मान लीजिए एक वायर है, ठीक है ना, इसको मैंने जूम आउट किया हुआ है। अब इस वायर से क्या फ्लो करेगा, करंट I फ्लो करेगा, और यहाँ से इस तरीके से मैंने एक ज्वाइंट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है इतनी बड़ी सी, ठीक है ना, एक बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी जो है वो मान लीजिए 10 वोल्ट का है,
अब बताइए ये 10 वोल्ट बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये बताया गया था आपको पहले के वीडियोज में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क केमिकली करता है कौन बताइए, बैटरी करता है, आपस में रिएक्शन करता है, जब तक करता है तब तक बैटरी चलती है, समाप्त भी हो जाती है। तो 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण है ना इधर ऊंचाई हो जाएगी और आगे की तरफ क्या हो जाएगी, निचाई, नहीं ऊंचाई निचाई या मिचाई छोड़ दीजिए, मतलब एक तरह से ढलाव हो जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं, या एक तरह से फोर्स मिलेगा करंट को, तो करंट क्या करेगा आगे की तरफ मूव करेगा, करंट किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। कारण क्या था कि यहाँ पे हमने इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना का, 10 वोल्ट का। ठीक, यहाँ पे वाटर को फ्लो करवाना होगा तो हमें हाइट डिफरेंस देना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया हुआ है एक टंकी और बगल में ही आपने एक लगाया हुआ है नल, तो इस नल से वाटर जो होगा, इस नल से जो वाटर होगा वो नीचे आएगा, है ना, तो वो नीचे आने का जो मात्रा होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके लेवल पर डिपेंड करेगा। ये अगर नीचे है तो पॉसिबल ये भी है कि नहीं भी जा सकता है, अगर वाटर प्रेशर रहा तो कुछ ना कुछ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा तेजी में और बहुत सही मात्रा में हमको ले जाना है तो इसी टंकी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा और स्टेबल करना पड़ेगा, और हम करते भी हैं। हम टंकी को कहाँ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर, क्यों, ताकि वो प्रेशर दे पाए। तो लेवल डिफरेंस से यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हुआ, यहाँ प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिसिटी में होता है तो वाटर फ्लो करता है, ये आपको समझ लेना है। और यही किसने एक्सपेरिमेंटली देखा, किसने, ओम जी ने, लैब में गए देखा, वैज्ञानिक थे, देख लिया उन्होंने। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्यों यहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है अचरता, अपचर मतलब कि जिसका वैल्यू बदले नहीं, टेम्परेचर अगर सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि बदलने वाला, मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या होगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ने से करेंट के वैल्यू में बदलाव आ जाता है, इसलिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उन्होंने रखा है। तो जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा उसके बावजूद करेंट जो है वो उसका वैल्यू बदलता है, किसके अकॉर्डिंग, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना, पीडी के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यही था उनका स्टेटमेंट कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ इंसिडेंस। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, करेंट का क्या होता है सिंबल आई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका अर्थ मैथ्स में आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो आई का मान बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो आई का मान घटेगा, यानी घट बढ़ ये होते रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है, किसका वैल्यू बताइए, आई का वैल्यू, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर हम सिंबलाइज करें तो आई हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, भी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है किससे, भी से किया जाता है, क्लियर है। अब ये वाला साइन से तो होना जाना कुछ नहीं है, तो कौन सा साइन बराबर देना पड़ेगा, बराबर देने पर क्या होता है, एक कांस्टेंट लिया जाता है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमने जी लिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी आप शायद अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा ले कांस्टेंट, ये ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए हम आर कांस्टेंट लेते हैं, आर कांस्टेंट लेते हैं, तो अगर हम आर यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर लिखने पे क्या हो जाएगा, आर का रिलेशन आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ आर लिख देते हैं, सपोज हम आर लिखे हैं, अभी लिखे नहीं, सपोज कर लीजिए आर लिख दिया, तो अगर ये आर यहाँ पे हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हो जाएगा कि नहीं इसके साथ, यानी जब आर बढ़ेगा तो आई का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आर घटेगा तो आई का मान घटना चाहिए। लेकिन लैब में तो ये हुआ नहीं, लैब में जब ओम जी ने किया ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ऐसा, तो उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्स्टेंट हम आर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे इस बार, 1/r लेंगे। और क्यों 1/r लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैब में रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने से है ना आई के वैल्यू घट बढ़ रहा था, लेकिन कैसे बढ़ रहा था, अगर आर बढ़ाया जा रहा था तो आई घटाया घट रहा था, आर घट रहा था तो आई बढ़ रहा था, है ना, रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अब देखिए कोई पूछेगा कि 1/r लिया क्यों, तो ये जवाब दे सकते हैं, आई यहीं रहेगा, आर भागा में है गुना में जाएगा, भी हो गया, अब भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्रॉस गुना किया है, आई में आर से गुना करूँगा तो यहाँ पे आई आर हो जाएगा और भी वहीं पर रह जाएगा, तो आई आर इज इक्वल टू भी, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं, तो मैं सही मतलब समय पर ऊपर आ गया हूँ, अच्छी बात है।
तो भी इज इक्वल टू आई आर जो है वो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, और यही जो इक्वेशन है वो ओम जी का इक्वेशन है जो उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि भी का आई के साथ और आर के साथ जो रिलेशन है वो यही है। क्या है वो रिलेशन? भी इज इक्वल टू आई आर। तो क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भी और आई और आर के बीच में रिलेशन बताइए, तो भी इज इक्वल टू आई आर। और तीनों पर न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, तीनों में से कोई भी वैल्यू डबल रहेगा, दो एगो निकालने के लिए रह देगा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, वो लिख देंगे, तो उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि भी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका? भी इज इक्वल टू आई आर है। तो बताइए, तो हम भी को यहीं पे छोड़ देंगे, बिल्कुल, आर वहाँ पे गुना में है तो कुछ ही में आ जाएगा भागा में, और आई यहीं पे रह जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गया। ठीक, अब भी बट आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिंक बड़ा अच्छा है, भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, भी घटेगा तो आई घटेगा, आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। ये रिलेशन देखिए, आप ध्यान से देखिए, यही रिलेशन है। भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आर घटेगा तो आई जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लिंक सही है ना। तो अगर हमको आई निकालना हो तो भी बट आर निकाल लेंगे। और क्या कर सकते हैं? भी वहीं पर छोड़ देते हैं, आई को वहाँ से नीचे ला देते हैं, और यहाँ पे आर लिख देते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, उस इक्वेशन से तो ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी जब आप जब एक्सपेरिमेंटली जब ओम्स लॉ मतलब किया जा रहा था, जब ओम्स लॉ वेरीफाइड करा जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं ना, तो आई भी बढ़ रहा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हम किए हुए हैं 5 वोल्ट, तो आई का मान जो है वो कितना हो रहा था? 10 एम्पियर। तो उन्होंने क्या किया, इसको 10 वोल्ट कर लिया, तो ये हो बदल गया, ये कितना हो गया? 20 एम्पियर हो गया। इसको फिर उन्होंने बदला, कहा कि देखिए गड़बड़ा रहा है, तो 20 एम्पियर कर दिया, तो ये कितना हो गया? 30 एम्पियर हो गया। 15 वोल्ट हुआ तो ये 30 एम्पियर हो गया। तो इस तरह का बदलाव रीड किया किसने? ओम जी ने रीड किया, है ना। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालिए, भी बटा आई निकालिए, तो 5/10 इधर क्या हो गया? 10/20, और इधर क्या हो गया? 15/30। सबको क्रॉस गुना करिए, तो आप एक नोटिस करिएगा कि 1/2 इधर भी आया, 1/2 इधर आया, 1/2 आया, और इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। कॉन्स्टेंट नहीं है, देखिए तो सबका मान सेम आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट हुआ ना। तो इसीलिए आर का मान कॉन्स्टेंट ले आता है, क्योंकि हर बार वो क्या होता है, क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है आपको दिख रहा होगा, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए, आई के साथ आर का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली है। भी के साथ क्या है? डायरेक्टली है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आई का वैल्यू भी के साथ कर सकते हैं, यानी भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, अगर ई 2 टाइम्स बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, है कि नहीं? डायरेक्टली है। तो आई यहाँ देखिए इन्वर्सली है, अगर आर बढ़ेगा 2 टाइम्स तो ये हाफ हो जाएगा आई। ठीक, तो इतना दिमाग आपको लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने एक इक्वेशन प्राप्त किया, आर इज इक्वल टू क्या, बताइए जल्दी। भी इज इक्वल टू आई आर, भी इज इक्वल टू आई आर अगर है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? भी बट आई, ये हमने जान लिया। ठीक है, तो अब देखिए अगली बारी जो है वो है अब एसआई यूनिट की। आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बताइए, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होगा वो देखिए, ये जो ओम जी थे इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे दिया गया। तो रेजिस्टेंस जो है उसका एसआई यूनिट क्या मान लिया गया? ओम मान लिया गया, ओम, ओ एच एम, ओम। और इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट ही होता है। और आई का क्या होता है? करेंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते, क्योंकि देखिए इक्वल का निशान है, तो हम लिख सकते। अगर कोई पूछे कि एसआई यूनिट बताइए किसका? रेजिस्टेंस का, तो हम बोलेंगे वोल्ट बाई एम्पियर, ये भी होगा। अगर कोई पूछे कि एक और बताइए तो ओम बता सकते हैं। तो वोल्ट बाई एम्पियर भी लिखा हुआ है तो गलती नहीं है, ओम लिखा हुआ है तो भी गलती नहीं है। ठीक, अब देखिए भैया यहाँ पे ओम आ गया, तो ओम का स्फीयर देखिए, बार बार ओ एच एम लिखने में दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक सिंबल दे देते हैं, ऐसा सिंबल उन्होंने दे दिया। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा और बकवास किया हुआ है, बट ऐसा सिंबल दे दिया, तो ये 1 ओम हो गया। मान लीजिए हम अभी 1 ओम नहीं लिखते हैं, ओम ही लिख देते हैं, और ये तो वोल्ट है और यहाँ पे एम्पियर है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि आप बताइए 1 ओम को डिफाइन करिए, ये क्वेश्चन आता है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये वाला जो ओम साइन है इसके पहले 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब इसको डिफाइन किया, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो थ्रू, है ना, फ्लो थ्रू द कंडक्टर विथ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी 1 ओम
रेजिस्टेंस कब कहा जाएगा किसी कंडक्टर का, यदि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा, है ना, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर 1 वोल्ट। तो बस वही देखिए, इसी को हमें स्टेटमेंट दे दिए, इसी को मैंने स्टेटमेंट दे दिया, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस तरीके से रीड करते हैं और समझते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में, मैं कुछ जानकारी मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस को सिर्फ डिफाइन करिए तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी बाय विच है ना इट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, रेजिस्ट द करेंट टू फ्लो, है ना, क्या करने से रोकता है, फ्लो करने से रोकता है ना, जिस गुण के कारण कोई कंडक्टर, तो वो उसका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाता है। हर एक कंडक्टर का अलग अलग होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस न के बराबर, मतलब न के बराबर नहीं, मतलब कुछ तो हो भी करेगा लेकिन बहुत कम होता है, यानी करंट उससे आसानी से फ्लो करके जाएगा, इसलिए कॉपर का यूज़ जो है ना हमारे घर में भी होता है ना, कोई और वायर का यूज़ क्यों नहीं होता है, कॉपर का ज़्यादातर क्यों होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है और उतना पैसा भी नहीं लगता है। इससे ज़्यादा अगर अच्छा बात किया जाए, जिसे करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, वो सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, लेकिन क्या यूज़ कर सकता है उसका, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो मारामारी हो जाएगी। तो यही है रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि द प्रॉपर्टी बाय विच इट रेजिस्ट द करंट टू फ्लो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, क्या रेजिस्टेंस को कोई फैक्टर ऐसा है जो प्रभावित करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता है तो किसके किसके कारण, तो एक तो आपने देखा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आई से रिलेटेड है ना, करंट से रिलेटेड है, तो करंट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड अगर रहेगा अगर वो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आर का वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड, आई का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू आई पे डिपेंड नहीं कर सकता है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू आई पे डिपेंड नहीं करेगा, आई का वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। आई कितनों आप लेके जाइए किसी वायर से, उसका जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो तो है उसके पास, वो तो गुण है उसका, वो थोड़ी बदलेगा, लेकिन हाँ उसके अनुसार आप करंट है ना आपको जाना पड़ेगा। अब ये मेरा घर है तो मेरा ना यहाँ पर अति चलेगा हुकूमत, वही वाला बात है ना, आपके घर में जाएंगे आपका हुकूमत चलेगा, तो वही चीज़ है, वायर का अपना घर है, अब वहाँ करंट बाहरी आदमी आ रहा है तो कहेगा ना कि ये चलेगा लाइन से, तो चलेगा बेचारा लाइन से, कहेगा कि धीरे धीरे चल, तो धीरे धीरे चलेगा, तो कहेगा स्पीड में चल, तो स्पीड में चलेगा, तो अपना अपना प्रॉपर्टी है, वो चाहेगा जिसके अनुसार वो करता है। लेकिन क्या रेजिस्टेंस में कोई बदलाव ला सकता है, तो हाँ बिल्कुल ला सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना रेजिस्टेंस, जो फैक्टर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो बताइए आप, जो इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है लेंथ, आपका लेंथ जो है वो क्या करता है, ओम्स मतलब लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, कैसे डालता है वो जानते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक वायर लेना पड़ेगा, एक वायर ये है और एक और वायर यहाँ पे ये है, डुम झुम झुम झुम। अब इसको समझिए थोड़ा, मान लीजिए ये आपका स्कूल है और ये है मतलब मान लीजिए पटना, और यहाँ पे फिर से एक और डाटा ले लीजिए, ये है आपका स्कूल और ये है आपका दिल्ली, ठीक। अब स्कूल से पटना आपको जाना है, स्कूल से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और एक वायर है और इन दोनों का लेंथ अलग अलग है और बाकी सब सेम है, ये ध्यान रखिए, वायर सेम, उसका मोटाई सेम, लेकिन लेंथ अलग अलग है। अब बताइए इसमें से कौन जाएगा, एक पाथ है, रास्ता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में आप जा रहे हैं, किसके रूप में बताइए, इलेक्ट्रॉन के रूप में, और आप किधर मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ, ठीक। अब बताइए जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी संभावना रहेगी ना एक्सीडेंट होने की, अब दिल्ली जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि रोड पर दुर्घटना घटने की संभावना ज़्यादा होगी। तो या एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि टायर का जो फ्रिक्शन होता है वो किसके साथ होता है, रोड के साथ, तो पटना जाने में कम होगा और कहाँ जाने पर ज़्यादा होगा, बताइए दिल्ली जाने में ज़्यादा होगा, तो यही चीज़ है। तो कम अगर लेंथ है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, अगर ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यही है कहानी, समझ में आया। और कोई है जो फैक्टर जो यहाँ पे प्रभावित करता है, तो हाँ बिल्कुल, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो, है ना, जिसको हम लोग थिकनेस भी बोलते हैं, थिकनेस, थिकनेस क्या होता है ये ध्यान देंगे। देखिए ये वाला मान लीजिए वायर, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक, ये है मोटाई है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अब इसको भी समझाते हैं पिक्चर के द्वारा, मान लीजिए एक वायर है ये और यहाँ पर एक वायर है ये, अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी रैंडमली फ्लो करेगा,
तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे नज़दीक इलेक्ट्रॉन किस में है, नज़दीक नज़दीक इलेक्ट्रॉन किस में है, तो क्लियर बताइए कि इसमें ज़्यादा है, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है एक स्पेसिफिक एरिया में, और इसमें कम है, जिसके कारण जब ये आगे की तरफ मूव करेंगे रैंडमली, आगे पीछे दाएं बाएं अगर ये मूव करते हैं, और जब ये आपस में टकराएंगे, तो इन ये ज़्यादा टकराएंगे और ये कम टकराएंगे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा जगह स्पेस है। अरे हाँ या ना, ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा टकराएंगे नहीं, और कम स्पेस है तो ये ज़्यादा टकराएंगे, उल्टा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं ना, आपस में टकराएंगे फिर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो क्या करता है, इफेक्ट डालता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। और कैसे डालता है, तो देखिए ध्यान से, एरिया मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और एरिया मैंने घटाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो कैसे रिलेशन है रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ या थिकनेस के साथ, तो इन्वर्सली वाला है वो, तो 1/a लिख लीजिए। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब दोनों उल्टा आप समझ लीजिए। तो ये सीधा था और ये क्या है, उल्टा है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। और कौन किन किन बातों पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस, तो नंबर थर्ड हो जाएगा आपका, किस पर डिपेंड करेगा, वो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी किस वस्तु से वो वायर बना हुआ है, उसका नेचर क्या है। तो अभी बताया मैंने कॉपर है जो कम रेजिस्टेंस करता है ताकि आसानी से वहाँ से गुजर सके, कोई और रहेगा तो वो कम रेजिस्टेंस करेगा, वो और ज़्यादा भी कर सकता है। तो कॉपर के मुकाबले कोई कोई होगा जो कम भी कर सकता है, और कोई कोई होगा जो ज़्यादा भी कर सकता है, तो डिपेंड करता है किस पर, नेचर, मतलब नेचर पे। तो उस मटेरियल से, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वायर, उस मटेरियल का नेचर जो है वो किस तरीके से बनाया गया है, गॉड मेड मैन मेड जो भी है, तो किस तरीके से बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये नेचर और मटेरियल का मतलब समझ में आपको आ गया कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, किस वस्तु का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, यही है नेचर ऑफ मटेरियल। और कोई फैक्टर है तो हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये रिलेशन कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सड़क है और इसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मतलब मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो क्लियर है कि अगर ये आपस में टकरा जाएंगे, अगर स्पीड में अगर टकराएंगे, अगर ये स्पीड में टकराएंगे, है ना, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगर कम स्पीड में टकराएंगे तो कम रेजिस्टेंस होगा। अगर दो एक्सीडेंट करते हुए लोगों को देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा, ज़्यादा जोर से होता है तो ज़्यादा दूर तक घिसटते हुए जाते हैं, कम स्पीड में रहता है तो कम ही दूरी पर मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ज़्यादा अगर ये मतलब मूवमेंट में रहेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तब देखिए, टेम्परेचर जब आप बढ़ा दिए रूम के, तो टेम्परेचर इन करेगा नहीं वायर में, है ना, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा एक्स्ट्रा, पहले से तो था रनिंग में और दे दिया इसने, तो क्या करेगा, इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, और जब इसकी मूवमेंट बढ़ेगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, टकराना भी ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा टकराएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, बताइए, टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चार मतलब फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं, पहला कौन है, लेंथ जो डायरेक्टली रिलेटेड है, दूसरा कौन है बताइए जल्दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इन्वर्सली है, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये तो मतलब डायरेक्टली इन्वर्सली क्या करना है, डायरेक्टली ही मान के चलिए, और नंबर फोर टेम्परेचर जो डायरेक्टली है रिलेशन इसका किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा, और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बेसिक जो बताया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।